आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो जैसे मैडम ने कहा कि जल संशोधन विद्या, वाटर डिवाइनिंग टेक्निक, यहाँ कोई जादू का खेल होने वाला है ऐसा थोड़ा फील होगा, बिकॉज डिवाइनिंग कुछ है, ओके, वो जादू का खेल नहीं है क्योंकि ये विज्ञान है, ओके। सो जो विषय पानी के बारे में है और हमें मालूम है कि समुद्र कितना बड़ा है, विशाल है, ओके। हमारे भारतीय संस्कृति में पानी को हम नॉलेज के रूप में भी देखते हैं, है ना? तो नॉलेज कितना बड़ा हुआ है, कोई बता सकेगा कितना बड़ा है? नहीं, इट इज इनफाइनाइट। इसलिए जब आपने देखा होगा गणपति फेस्टिवल होता है तभी गणेश जी को हम विसर्जन करते पानी में, उसका सिंबल यह है कि 10 दिन पहले जब गणेश जी हमारे घर में आते हैं और बाद में 10 दिन के बाद चले जाते हैं। सो गणेशा इज द सिंबल ऑफ नॉलेज। सो और पानी जो है इट इज सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। सो गणेशा कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गोज टू इन्फिनिटी। वो हमें सीख देने के लिए वो एक प्रथा बनाई गई है, ओके। सो जब हम बात करेंगे किसी भी विषय में, स्पेशली संस्कृत या साइंस या कोई और विषय में, हमारा लाइफ कम पड़ जाता है, बिकॉज उस विषय को समझने के लिए हमारा लाइफ कम पड़ जाता है, ओके। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इस नाम दिया है ड्रॉप इन द ओशन। जितना भी हमारे पास ज्ञान है वो इतना सा ही है, और जितना दुनिया में अवेलेबल है अभी अभी भी जो ज्ञान है वो भी बहुत कम है, बिकॉज कुदरत ने हमारे लिए बहुत कुछ मिरेकल मैजिक बना के रखा है, मिस्ट्री क्रिएट करके रखा है। ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 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 अंडरस्टैंड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वन पर्सन हेनरिच जिमर, ही सेज दैट लिमिटलेस एंड इमॉर्टल, द वाटर्स आर द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ थिंग्स ऑन द अर्थ। शुरुआत जो जीवन का शुरुआत हुआ या जो भी है ब्रह्मांड में, वो पानी से हुआ और ख़त्म भी होगा तो भी पानी से। हेनरिच जिमर जो है वो मैक्स मुलर के बाद इनकी गिनती की जाती है, जितने भी अपनी पुरानी विद्या थी अपने देश में उसको ट्रांसलेट करके उसको लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने मैक्स मुलर के बाद करना शुरू कर दिया था। और ये ऑब्वियसली इन्होंने वेदों का भी अभ्यास किया है इसे, और ये वेदों से ही आया हुआ ये शब्द है। जैसे प्रसाद सर ने अभी कहा कि मैं बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएशन हुआ है, तो हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसमें ये कहा जाता है, उसमें एक प्रिंसिपल, एक तत्व आता है, हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसी भी चीज़ का हमें गारंटी नहीं है, अनसर्टन है ना सब कुछ ऐसा। तो वो सोचता था मैं ये हाइसेनबर्ग के बारे में, हमें साइंस में सिर्फ वो तत्वों के बारे में बताया जाता है कि उस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं बताया जाता। तो जब अध्ययन करने का पता चला, यहाँ पर देखिए इन्होंने खुद, ये जो हाइसेनबर्ग है ये कहते हैं, आफ्टर दी कन्वर्सेशन अबाउट इंडियन फिलोसफी सम ऑफ द आइडियाज ऑफ क्वांटम फिजिक्स दैट हैड सीम्ड सो क्रेजी, जो अजीब लगता था, पागलपन लगता था, जब उन्होंने ये कहते हैं कि जब इंडियन फिलोसफी को पढ़ते हैं तो पागलपन लगता था उनको, दे सडनली सडनली मेड मच मोर सेंस। तुरंत मुझे ये विषय बहुत सेंसिबल लगा। आपने देखा होगा अंग्रेज हमें जिस तरीके से ट्रीट करते थे पहले हमारी विद्याओं को, है ना, हमें समझते थे कि हम भारतीय बहुत कमज़ोर है, दिमाग नहीं है, बुद्धिहीन है, ऐसे करते, ऐसे वो समझते थे, है ना। बट आज वही खुद वही लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ज्ञान अपने देश में, मतलब भारत में अवेलेबल है करके। सर जॉन वुड्रॉफ कहते हैं कि दोज हु से देयर एंसेस्टर्स वेर एप्स, देयर्स मस्ट हैव बीन, माइन वेर नॉट। समझे आप? डार्विन थियरी मालूम है आपको? डार्विन कहता है हम इंसान कैसे बने, बंदर से बने, बराबर। उनका नॉलेज वहीं तक सीमित रहा, लेकिन लॉन्ग बैक तकरीबन 1000 साल पहले पुरंदर दास हुआ करते थे कर्नाटक में, वो आज भी उनका नाम लिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। आपको तानसेन मालूम है ना? तानसेन के गुरु, हाँ
नहीं एक और है स्वामी जो एक्चुअल उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा वो स्वामी रमानंद तीर्थ। अच्छा स्वामी रमानंद तीर्थ के जो गुरु थे वो पुरंदर दास थे। तो वो एक काव्य में कहते हैं कि हम कितने योनियों को पार करके कितने जीव राशियों को पार करके हम आए हैं, दैट इज 84 लाख। आज जो हम लोग मानव बन के घूम रहे हैं, इंसान समझते हैं अपने आप को, ये रूप धारण करने के लिए वी हैड टू क्रॉस 84 लाख ऑफ जीव राशि। ओके, सो इसलिए इसी संदर्भ में ये कहते हैं कि जो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कहता होगा कि हम बंदर से बने हैं, शायद उनके पूर्वज बने होंगे बट हम नहीं। ओके, मतलब भारतीय बंदर से नहीं बने हैं। इला विलकॉक्स नाम की एक बड़ी साहित्यकार हुआ करती थी अमेरिका में। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने अध्ययन किया, उनका अभ्यास उसमें है। बट देन वो कहती है कि इंडिया द लैंड ऑफ वेदास द रिमार्केबल वर्क्स कंटेन नॉट ओनली रिलीजियस आइडियाज फॉर ए परफेक्ट लाइफ बट ऑल्सो परफेक्ट फैक्ट्स विच साइंस हैज प्रूव्ड ट्रू, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेडियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरशिप, All were known to the seers who founded the Vedas. जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने वेद में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, सारे लोगों ने हर विषय में, चाहे आज की तारीख में हम जो विमान शास्त्र बोलते हैं, एरोप्लेन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं या रॉकेट साइंस बोलते हैं, एवरीथिंग वॉज नोन टू देम। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको मालूम था तो आज हमें वो उपलब्ध क्यों नहीं है? ये दुर्भाग्य की बात है। बिकॉज बीच में ऐसा एक टाइम आया जब ये सारे जो विद्या जो थी वो लुप्त हो गई, किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया नहीं, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए अपने देश में, इसलिए वो हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि जो अंग्रेज लोगों ने सिखाया वो वही साइंस है, इंडिया में जो सिखाया जाता है वो साइंस नहीं है करके, ये प्रॉब्लम है अपने साथ। तो देखो एक राइटर, उनको मालूम है वेदों में क्या लिखा गया, वेदों के बारे में बात करती है ना। तो आज उसी एक वेद में से या फिर एक सीर जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं उनके बारे में आज बात करेंगे, वराह मिहिर। सुना है आपने कभी नाम इनका? वराह मिहिर, इनका विषय देखिए कौन से विषय में ये माहिर है, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, है ना, कितने सारे, आर्किटेक्चर टू एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी टू फिजियोग्नॉमी, इकोनॉमिक्स टू डेंटल हाइजीन, कितने सारे विषयों में उनका प्रभुत्व था, कंट्रोल था, कितना उन्होंने अध्ययन किया अपने जीवन में। उनके बहुत सारे कार्यों में से एक पंच सिद्धांतिका है, जो उसमें से बहुत सारे बुक्स आज अवेलेबल नहीं है, सब लॉस्ट हो गए। बृहद संहिता में 4000 वर्सेस से श्लोकज है, उसमें से कुछ ही बचे हैं और उस पर रिसर्च चल रहा है आज, वो क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ इनका लगा, इनका नाम वराह मिहिर, तो मतलब कि वराह अवतार हमने सुना है, वराह मतलब सुअर होता है, किसी का नाम सुअर से कैसे हो सकता है ना। तो किसी एक जन ने कहा कि नहीं, क्योंकि वराह अवतार विष्णु का अवतार है, इसलिए किसी ने, माँ बाप ने रख दिया होगा वराह स्वामी के नाम से, ऐसा रखा होगा, बट वो कारण है नहीं, इनका एक अलग, इनका एक्चुअल नाम मिहिर था। ये ज्योतिषी है ना, अच्छे ज्योतिषी थे, वो विक्रमादित्य के जो पुत्र थे उनके बारे में इन्होंने कहा कि ये 18 साल का जब हो जाएगा तभी एक बड़े हादसे में इनकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ये टाइम पे, ये डेट पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस राजा ने इतना कोशिश किया कि, है ना, वो समय आने के बावजूद भी वो बेटा बच जाए, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद भी ऐसा एक समय, जिस मृत्यु का समय था उस समय क्या हुआ मालूम है, जहाँ पर वो एक्चुअली वो सातवें मंजिल पे, हाँ, महल के सातवें मंजिल पे सुरक्षित बैठा था, लेकिन ऐसा एक ओपन एरिया होता है ना टेरेस जैसा, तो वहाँ वो चला गया। इतने में क्या हो गया कि उनका जो ध्वज था उस राज्य का, वो ध्वज के ऊपर एक सिंबल है ना मेटल का, वराह उसका वो वेट, आज आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना अपना जो झंडा लहरा रहे हैं 100 फीट का, उसके ऊपर एक डिज़ाइन है वो वेट के लिए, वैसे ही वो वेट बनाए रखने के लिए पोल के ऊपर वो वराह का एक स्टैचू था।
इतनी आंधी तूफान जोर से आने के कारण क्या हो गया कि वो पोल गिर गया। गिरते गिरते वो जो वराह का जो स्टैचू था वो उस राजकुमार के पेट में घुस गया और राजकुमार ब्लीडिंग के कारण मर गया। इनको भी बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसा कुछ बताया और इतनी लोगों में दुख का वातावरण क्रिएट हो गया। उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में राजा ने कहा कि नहीं, तुम ये काम आगे बढ़ाना। इनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सोने का गोल्डन वराह का एक स्टैचू इनको गिफ्ट दिया, तभी से उनका नाम वराह मिहिर कर पड़ गया। ये जानते हो आप लोग क्या ही है? हाँ, कुतुब मीनार। हमें सिखाया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसने बनाया, इसलिए कुतुब मीनार करके। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेटरी है, एंशंट इंडिया का ऑब्जर्वेटरी, स्टार गेजिंग करने के लिए एक टॉवर बनाया गया था हमारे इधर, मेरु स्तंभ बोलते हैं। ओके, जो 22,000 2200 सॉरी 2200 साल पुराना है। और इसके आप देखेंगे सात मंजिल है, ये दिखाने के लिए कि सात प्लैनेट्स है और 24 विंडोज है। ओके, क्योंकि 24 नक्षत्र है ना, इसलिए द मेन एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ फेसिंग है और थोड़ा सा साउथ की तरफ स्लैंटिंग डिक्रीज है। ये है वो मेरु स्तंभ जो वराहमिहिर ने एक्चुअली डिजाइन करके बनाया था उन्होंने। पब्लिकेशन जैसे मैंने कहा पंच सिद्धांति का। ओके, ये इसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूरा लॉस्ट हो चुका है, लेकिन सबसे पहले दूसरे भाषा में अगर जो ट्रांसलेट किया गया था वो कर ने किया था जर्मन भाषा में, उसके बाद इंग्लिश में किया था, और इंडिया में चिदंबर अय्यर, शास्त्री और भट्ट इन्होंने सब्सिक्वेंटली बाद में किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था टॉपिक को लेकर के, एज डाकर डाकर अर्गलम, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। ये हम सब लोग जानते हैं, हम लोग ईवीएस में पढ़ाते हैं हम बच्चों को। ओके, दिस इज अबाउट वाटर साइकिल। सूरज की रोशनी, समुद्र का पानी, गर्म होता है पानी। ओके, फिर वेपर्स बनते हैं, ऊपर जाके क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स यहाँ वहाँ भटकते हैं, बाद में कहीं बारिश हो जाता है, फिर वापस वो बारिश का पानी घूम फिर के समुद्र में आता है। ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी देखा है, बराबर इतना आसान लगता है ना, मैंने 1 सेकंड में बोल दिया, लेकिन ये होने के लिए कम से कम कुदरत को 6 महीने लगते हैं, और इस चीज़ को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कम से कम 6 महीने तो लगते हैं। ये एटमॉस्फेरिक साइंस का एक पार्ट होता है, और इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आप देखेंगे जमीन में जो गिरने के बाद पानी जब जमीन के ऊपर गिरता है नदी बन के समुद्र में जाता है, बट कुछ पानी जो है वो जमीन के नीचे जाता है। एंड आवर इंटरेस्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो उस पर है, अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर। अंडरग्राउंड वाटर देखो आप, वो ब्लू कलर जो दिख रहा है वो पानी आता है, बरसात का पानी, और नीचे इकट्ठा होता है, केव्स, फिशर्स, ऐसे सब वो बीच में। जमीन अपने को ऊपर से ऐसा फ्लैट दिखता है, बट अंदर देखिए कितना गैप्स होता है, उस गैप में पानी जाके बैठ जाता है। और हम उस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि बारिश कहीं पर भी हो 4 महीने के लिए होता है, बाकी के महीने हम प्यासे रहेंगे ना, तो इसलिए उस पानी को पाने के लिए हमें खोदना पड़ता है। बट कहाँ खोदेंगे, पानी कहाँ मिलेगा, आपको गारंटी होगा तो ही आप खोदोगे ना, तो समझो सब जगह थोड़ी आप छेद बनाओगे, तो उस वो विद्या आपके पास होनी चाहिए कि कैसे आप पानी उसको निकालोगे। जियो साइंटिस्ट कहते हैं कि बद्री नारायणन करके फेमस जियो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो करते कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ वाटर सोर्सेस स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट में क्यों जरूरत पड़ा भाई, सबसे पहले वहीं पर क्यों हुआ? वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट है हम लोग, और वो विद्या हमारे पास ही रहेगा ना। और दोनों ही कंट्रीज ड्राई कंट्रीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज है, तो जाहिर सी बात है हमें पानी का प्रॉब्लम हमें ही फेस किया, हमने ही फेस किया, तो पानी का प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का आइडिया भी हम ही निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इंडिया में फर्स्ट देखने को मिला। महाभारत में 6,000 साल पहले वेल्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर ये देखने को मिला है,
देन एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन मॉडर्न टाइम्स, आज की तारीख में जो शुरू हुआ वो 19th century में, उसके बाद बोलते हैं कि 1935 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बोरवेल खोदा गया था, ओके, विद न्यू टेक्निक्स अवेलेबल. तो मॉडर्न टेक्निक्स जो आज यूज करते हैं, अगर आप कहीं पर भी जाएंगे कि सर अंडरग्राउंड वाटर कैसे खोज निकालते हैं, क्या तरीका है, तो मॉडर्न टेक्निक्स ये सब है. इसका लिस्ट देखिए कितना लंबा चौड़ा है ना. हर टॉपिक के बारे में आप देखेंगे तो अपना अपना एक वजूद है. इतना आसान नहीं है उस चीज़ को समझना, और टाइम लगता है. जैसे एक मेथड में बता रहा हूँ, सिस्मिक मेथड. अर्थक्वेक होता है, मतलब वेव्स क्रिएट होते हैं, है ना. आपने कभी देखा रिश्टर स्केल बोलते हैं, या फिर आपने बोला सिस्मोग्राम करके, है ना, एक मशीन होता है जो वाइब्रेशंस को नोट डाउन करता है. तो वैसे ये क्या करता है, बीच वाला आप देखिए वाइब्रेटर ट्रक वाइब्रेशंस नीचे छोड़ता है. फिर ये जो जियो फोन्स करके है रिसीवर्स रेड कलर के, वो रिसीव करते हैं वेव्स को, और उसको रिकॉर्डिंग ट्रक में उसको रिकॉर्ड करते हैं, और पता लगता है कि कहाँ पर पानी अवेलेबल है ज़मीन में, है ना. तो ये एक मेथड है. फिर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज के पता लगाते हैं. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ के पता लगाते हैं. उसके बाद ये और भी तरकीब है जो सिंपल और ये है, जैसे ये वेनर एरे और शुम्बर्गर एरे, ये दोनों को मिला के डाइपोल एरे बनता है. ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो आज तारीख में यूज़ करते हैं, ओके. ये ग्रेविटी मेथड है, इनसे फाइंड आउट किया जाता है कि ग्राउंड वाटर कितना है, कहाँ पर है करके. बट मेरा इस विषय में ज़्यादा रुचि इसलिए है कि दो बातों के लिए. एक तो पहली बात है कि अपना, मैं खुद इंडियन हूँ तो मुझे अपने देश के बारे में ज़्यादा अभिमान रहेगा, है ना. और दूसरी बात यह है कि मैं खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई तुम ये सब मेथड्स यूज़ करके आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, है ना. आप कितना रिसोर्सेज को यूज़ करके फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो ग्राउंड वाटर किधर है करके. सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है क्या, सिंपलेस्ट एंड द रिलायबल मेथड हो सकता है क्या, हमें वो खोज निकालना चाहिए. वो अच्छा आसान है, रादर इतना हम कॉम्प्लिकेटेड विषयों में जा करके अपने आप को भी उलझे, दूसरों को भी उलझा के रखें, है ना. कुछ तो सिंपलेस्ट होना चाहिए. तो इसलिए अपना देसी स्टाइल अलग होता है. अपना देसी स्टाइल क्या है, मालूम नहीं है हमें, है ना. ऑब्जर्वेशन, जितने भी एंशियंट विद्वान हो के गए, उन्होंने कभी भी लेबोरेटरी नहीं खोला. BRCI, DTIFR ऐसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन उन्होंने नहीं खोला. उन्होंने प्रकृति को ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन समझा. नेचर इट्सेल्फ वाज अ लेबोरेटरी फॉर देम. बैठे बैठे ऑब्जर्वेशन करते थे हर चीज़ का. वो कहते थे कि जो जीवन भगवान ने दिया है तो उसमें बाकी की चीज़ें भी भगवान दे देगा, इसी भरोसे के साथ हम जीते थे. अंडरग्राउंड वाटर चाहिए ना, तो भगवान हमें इंडिकेशन देगा, उस इंडिकेशन को पकड़ो और फाइंड आउट करो. ये जानते हैं आप क्या है, ये नक्षत्र है. इसके पहले, बहुत पहले मैंने एक स्लाइड दिखाया था जहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दिखाया था, है ना. अंग्रेजी विद्या कहाँ तक शुरू हुई, सूरज की रोशनी से शुरू हुई, ओके, और अंडरग्राउंड वाटर तक उतना ही सीमित रहा. लेकिन अपने जो भारतीय जो ज्ञानी थे, उन्होंने सूरज की भी आगे का देख लिया था. उन्होंने, ये जो नक्षत्र है, तारे हैं, रात में हमको देखते हैं तो तारे दिखते हैं, है ना. वो तारे कुछ तो आपको संदेश दे रहे हैं, कुछ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. उनको जानने की कोशिश करो पहले, है ना. वहाँ पर आप देख रहे हो अल्डीबरान करके लिखा है ब्लू कलर में. अल्डीबरान रोहिणी नक्षत्र है. उसके बाद आप देखिए ओरियन, है ना. ओरियन मृगशिरा नक्षत्र है. उसके बाद बीटलगीज़ है, ये आर्द्रा नक्षत्र है. ये सूरज और चंद्रमा जब इस नक्षत्र में आते हैं ना, तो अपने इधर बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है. और ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है ना, ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है. ऑफकोर्स उसको सिंपल इंग्लिश में ये कहा जाता है कि ये जो बीटलगीज रीजल है ना, ये जो पार्ट है ना, इसको हंटर बोलते हैं. एक ऐसा लगता है कोई शिकारी खड़ा है,
और उसका शिकार वो ओरियन है। ये एक ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं। ये आज के रात भी अगर आप जाओ टेरेस पे देख सकते हो इजीली। वो तीन डॉट्स दिखते हैं आपको नीचे, यहाँ पर देखिए 78 लिखा है, उसके नीचे तीन डॉट्स है, उससे आप पता लगा सकते हो, है ना? दिशा हमें सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताया जाता है, बट इनके भी भगवान होते हैं, इन्हें भी हमें भगवान समझना चाहिए, इनके भी कोई गुण होते हैं, ये हमें समझना चाहिए, ये ऋग्वेद में बताया गया था। उसके बाद वराहमिहिर की थियरी क्या था मालूम है? टू नो द अमाउंट ऑफ रेन, बारिश गिरना, ओके, वन हैज़ टू ऑब्जर्व द नेचुरल कंडीशंस 6 मंथ्स प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, 6 महीने पहले हमें जानना पड़ता है। हेंस दिस थियरी ऑफ लॉन्ग टाइम प्रेडिक्शन वॉज अ स्पेशलिटी ऑफ आवर सेजेस, दे रेफर टू क्लाउड फॉर्मेशन एज बिकमिंग प्रेग्नेंट, है ना? आज हम लोग ऐसा कुछ बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना सुनने के लिए, बट देन फैक्ट इज वो वैसे ही को रिलेट करते थे। तो जैसे अभी देखो कंसीव होता है, बाद में डिलीवरी होता है ना प्रेगनेंसी में, ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ मार्गशीर्ष, फोर्टनाइट मतलब क्या, चतुर्दशी, ओके, सो ये कौन सा चतुर्दशी, ब्राइट फोर्टनाइट मतलब क्या हो गया, पूर्णिमा है ना, तो मार्गशीर्ष का पूर्णिमा आप ऑब्जर्वेशन करो स्काई, ओके, और बाकी चीज़ों का वातावरण का ऑब्जर्वेशन कीजिए, हवा, ओके, और वनस्पति और प्राणी जगत में क्या हलचल होता है उनको भी ऑब्जर्वेशन करो, और उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हो कि डिलीवरी कब होगा, सेकेंड वीक ऑफ जून। लास्ट ईयर 2018 में जब आप देखेंगे कि जैसे लोग कहते हैं मुंबई में बारिश कभी होता है, 7 जून को होता है, पर 7 जून को हुआ नहीं हुआ, 16 जून को हुआ, क्यों? तभी 16 जून को मृगशिरा में नक्षत्र में सूर्य का एंट्री हुआ था, ओके। अभी इस साल अभी जून है ना, अभी क्या मार्च चल रहा है, ठीक है, सो अभी जून में कभी होगा वो ऑब्जर्व कर, तभी बारिश गिरेगा, ओके। ये मैं कोई ज्योतिषी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, ओके। वैसे ही आप देखिए डार्क फोर्टनाइट ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन महीने का अमावस्या जब रहेगा, अश्विन महीने के पूर्णिमा में बारिश गिरेगा, तो 6-6 महीने का लिंक है उसके पीछे। शायद इसी को देख करके अपने भारत सरकार ने अंटार्कटिका में एक स्टेशन स्थापित किया जिसको दक्षिण गंगोत्री बोलते हैं। कितने बढ़िया नाम है दक्षिण गंगोत्री, क्योंकि अपने को बारिश जो आता है, हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून है ना, बारिश गिरता है, वो एक्चुअली कहाँ, वो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कहाँ से आता है, वो दैट कम्स फ्रॉम नियर टू द अंटार्कटिका एरियाज, तो इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टडी किया जाता है उस एरिया में रह करके। अपने साइंटिस्ट लोग वहाँ पर एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं और हमें रिपोर्ट देते हैं। हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है इस थियोरी के हिसाब से, चाहे वो रेन्स हो, फ्लड्स हो या स्टॉर्म, ओके, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ क्लाउड्स ऑब्जर्वेशन करने का, उसके बाद में एंट्री ऑफ सन इन द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र में जब सूरज जाता है तभी, ओके, सूरज जब मकर राशि में जाता है तभी, ओके, देन डिस्टिंक्टिव ऑफ नक्षत्र रोहिणी, स्वाति और आषाढ़, जो योग होता है वो, जो नक्षत्रों का जो योग होता है वो, ओके, प्लैनेटरी पोजिशंस, बाकी के नवग्रह जो है वो कहाँ पर स्थित है उनको देखो, ओके, म्यूचुअल कंजंक्शन मतलब अच्छा युति होना चाहिए ग्रहों के बीच में, अच्छा योग होना चाहिए ग्रहों के बीच में। अब देखिए जुपिटर और मार्स दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं, बट द फैक्ट इज अगर दोनों 9 और 5 ऐसे पोजीशन में रहेंगे तो दोनों अच्छा बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ कंजंक्शंस देखा जाता है। बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, बीस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर होंगे या जंगली जानवर होंगे या बर्ड्स होंगे, उनका हलचल जो भी होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, ओके। सन एंड मून कॉम्बिनेशन, देन हाँ हीट कैसे लगता है अपने बदन को, हीट देखिए हर सीजन में अलग अलग लगता है, इट्स नॉट सेम, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। इतना माइंड को हमें शार्प बनाना होता है कि एवरी माइन्यूट चेंजेस इन आवर बॉडी इन आवर माइंड वो हमें विजुलाइज करने को आना चाहिए, दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ आवर एंशंट स्कॉलर्स,
देन क्लाउड्स मोशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ, ये कैसे मूवमेंट होता है क्लाउड का वो भी देखना है. मोशन ऑफ क्लाउड्स इन द अर्ली मॉर्निंग इन द पीरियड ऑफ मे, अभी मई महीना आएगा तभी मॉर्निंग में क्लाउड का मूवमेंट किस दिशा में हो रहा है वो देखो, है ना. उसे भी आप जो किसान होंगे उनको बता सकते हो बारिश होगा कब होगा नहीं होगा. सिम्टम्स टू बी कंसिडर्ड एट द डिलीवरी ऑफ क्लाउड्स, कूल विंड नॉर्थ या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट से आना आने वाला होगा. ओके, सन एंड मून, आपने देखा होगा कि सन या मून का जो एनसर्कलिंग होता है, आप यहीं बैठे बैठे आप देखोगे कि उनका जो एनसर्कल होता है उनके आजू बाजू में जो सर्कल क्रिएट होता है वो कौन से कलर का सर्कल क्रिएट होता है, वो सर्कल का कौन सा थोड़ा सा हेजी लुक होगा, थोड़ा सा डलनेस होगा, उसको भी ऑब्जर्व करो, उससे भी हमने को पता चलता है. ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं. हमें मालूम है कि सनलाइट, ओके, उसका हीट की वजह से जो ज़मीन पे पानी है, समुंदर में पानी है, वार्म हो जाता है, ओके, वेपर्स बनते हैं, देन दैट बिकम्स क्लाउड्स. आपको ये चीज़ यज्ञ जैसा नहीं लगता, होम हवन जैसा, है ना. होम हवन में आप कुछ चीज़ डालते हो उसका वेपर्स बन जाता है और उड़ जाता है, ऊपर जाता है. और वही चीज़ है ना, आप कभी माइथोलॉजिकल फिल्म में देखे होंगे ना, किसी को किसी राजा को अपने साम्राज्य में अच्छा हरियाली चाहिए इसलिए कुछ यज्ञ करता है और यज्ञ में अर्पण करता है, फिर वो उसको बाद में उसके साम्राज्य अच्छा हो जाता है. मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, जो भी यज्ञ में है वो जलता है, वेपर्स क्रिएट होता है, वही क्लाउड्स बनता है और वो बनने के लिए इम्पोर्टेंट है. और आप ऐसा मत समझना कि आप घर जाके बैठोगे और है ना चूल्हा जलाओगे और पानी गर्म करोगे फिर क्लाउड्स बन जाए, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी चीज़ों के उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन. अभी भी क्लाउड्स हैं, ये बारिश नहीं देंगे, लेकिन विशिष्ट नक्षत्र, विशिष्ट है ना और टेम्परेचर, प्रेशर, डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है बारिश होना. यही चीज़ को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है, जिसे वृष्टि कहते हैं, मतलब बारिश होना. ओके, ये यज्ञ के समान है. रेन वेल, पहले के ज़माने में कैसे मेजर करते थे कि कितना बारिश हुआ, कैसे हुआ, है ना. गणित से हम लोग हमेशा दूर भागते हैं, बराबर है, लेकिन आज मैंने पकड़ के रखा आप लोगों को, तो अभी आप देखिए और बताइए, ठीक है. रेन गॉज, जो रेन गॉज मतलब एक वेसल, एक जो भी आपके घर में जो एक वेसल होगा जिसका डायमीटर 1 क्यूबिट, मतलब क्या है कि 20.83 इंच डायमीटर होगा उसका, ओके, बीच में, और उसका जो डेप्थ होगा वो 8 इंच होगा, तो वो हो गया 1 क्यूबिट वाला यंत्र आपका. ओके, उससे आपको बारिश मेजर करने का है. ये जब वेसल भर जाएगा तो उसको 50 पला बोलते हैं, ओके. घटी पला आपने नाम सुना होगा कभी, तो है ना, तो वैसे ही पला, तो 50 पला, तो 50 पला मिला के एक अदक बन गया. वैसे 4 अदक मिला के एक द्रोण बनता है, ठीक है. तो क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम में 5 कंडीशंस जरूरी होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, विंड फोर्स है, ओके, पर्टिकुलर नक्षत्र है, बहुत सारी चीज़ों का 5 कंडीशंस है, थंडर लाइटनिंग होता है ना. तो सारे 5 कंडीशंस को मिला के अगर बारिश गिरता है तो एक द्रोण ऐसा कलेक्शन आता है वो यंत्र में. वो एक द्रोण अगर कलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये होगा 400 स्क्वायर माइल्स तक बारिश गिरेगा, उनका ऐसा अनुमान था. अभी अगर आप कहोगे सर ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, होने दो ना, पुरानी बातें होने दो, लेकिन इसी चीज़ को आज आप घर जाके जब बारिश गिरेगा तभी ये कम से कम ये यंत्र तो बना के रख लीजिए आपके पास में, और जब बारिश आएगा तो मेजरमेंट ले लीजिए, फिर देखिए जो इसमें लिखा गया है कि वही होता है या नहीं होता है. नहीं होता तो हम मान लेंगे कि झूठ है भाई, लेकिन होता है तो सही बात है ना. साइंटिस्ट को ही साइंस का रिसर्च करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, आप भी कर सकते हो, ये तो सिंपल है ना, ये तो आप कोई भी कर सकते हो. अगर सिर्फ वर्षा वायु की वजह से अगर बारिश होता है तो 3 अदक गिनती आएगा, अगर लाइटनिंग की वजह से आया है तो 9 अदक आएगा, और अगर थंडर की वजह से आता है तो 12 अदक आएगा. तो थंडरिंग हमें बहुत डर लगता है लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है. तो कितना देखो, 12 अदक तक अपने को बारिश, मतलब ज़्यादा बारिश मिलने का चांसेस होता है.
जैसे मैंने कहा साइंटिस्ट लोगों को ही रिसर्च करना चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो। ये देखो एक सिंपल मेथड इन्होंने किया है, वनदीप नाम के कोई रिसर्चर ने इंडियन जर्नल ऑफ इनोवेशन डेवलपमेंट में 2012 में पब्लिश किया था। इन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी किया, मूवमेंट ऑफ वीनस, राहु, प्लानिटरी एंड लूनर जंक्शन, और उसका अभ्यास किया पंचांग से, उसको कंपेयर किया IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, अपने इधर मुंबई में अपन मराठी क्या मानते हैं ना, शांता क्रूज वेदशाला मानते हो ना, है ना, तो ऐसे वेदशाला जो होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, और उन्होंने स्टडी किया चार एरिया का, कौन सा, तिरुपति, अजमेर, शिलोंग और पोर्ट ब्लेयर। इन चारों में अगर आप देखेंगे कोई भी समानता नहीं है, क्योंकि अजमेर इधर राजस्थान में है, शिलोंग इधर मेघालय में है, उसके एकदम नीचे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार समुद्र में है, और तिरुपति सदर्न साउथ ऑफ इंडिया। तो चारों अलग अलग प्लेसेस में से उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला और उसको को रिलेट किया, को रिलेशन करने के बाद उनको 50% मैचिंग लगा, रेट ऑफ करेस्पॉन्डेंस वॉज 50% और को रिलेशन वॉज इन बिटवीन 80 to 100%। मतलब जो चीज़ हजारों साल पहले बताई गई थी आज भी वो बात सच है। सिंपल एक्सपेरिमेंट, बैठे बैठे उन्होंने इन्फॉर्मेशन, है ना, कंप्यूटर से इंटरनेट से मंगवा लिया और हो गया उनका काम। ये भी रिसर्च हो सकता है और पब्लिश हुआ है, ऐसा भी नहीं कि उसको कोई चैलेंज करे, करके देखो चैलेंज कितना करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल बिहेवियर, जैसे मछली उड़ते हुए देखा हो कभी अपने, पानी के बाहर आता है, हम लोग मालूम है पानी के अंदर रहता है मछली, कभी कभी बाहर ऐसे उड़ जाता है, क्यों होता है, क्योंकि कुछ तो चेंजेस होने वाला है एटमोसफियर में, उसको पता चलता है। आपने देखा बिल्ली ज़मीन खरोचती है ना, ये अपने अंडे लेकर कहीं दूर जाती है, चींटी, सांपों का मिलन होना, ये गायें उड़ती रहती है, है ना, ये सब जो चेंजेस है ना, ये एनिमल्स को जल्दी पता चलता है, बिकॉज वो हमेशा नेचर के साथ ही रहते हैं और नेचर के कायदे कानून के हिसाब से वो अपना लाइफ बिताते हैं। हम नहीं, इंसान नेचर से हट के सोचता है, तो इसलिए हमें वो जल्दी से सेंस नहीं होता, एनिमल्स को जल्दी से सेंस होता है ना। रेनी सीजन के टाइम में अगर कोई क्लाउड्स का, ये पार्ट्रिज है ना, तीतर बोलते हैं इसको, ये बर्ड का अगर कलर वाला आपको क्लाउड्स दिखाई दिया तो समझने का कि बारिश होने वाला है, जोर से होने वाला है। अगर इफ द सन पासेस थ्रू द आर्द्रा नक्षत्र एंड इफ द स्लो मोशन ऑफ प्लैनेट्स आर अहेड ऑफ द सन, मतलब जो स्लोली घूमने वाले प्लैनेट्स सूरज के आगे हैं और जो फास्ट जाने वाले घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के पीछे हैं, तो और अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा जैसे शुक्र और चंद्र के बीच में, शुक्र अगर पहले पोजीशन पे और चंद्र देखो आप सातवें पोजीशन पे, गिनती करिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7, सो शुक्र से सातवें पोजीशन पे, वैसे ही शनि से अगर चंद्र पांचवें, सातवें या नौवें स्थान पर रहेगा तो बारिश होने का संभावना है। बी वी रमन नाम के एक व्यक्ति ने खोज निकाला कि जुपिटर अगर पेरिहेलियन, पेरिहेलियन मतलब सूरज से अगर दूर जाता है, ओके, तो अकाल पड़ने का संभावना है ना। एक ऐसा भी आप मान सकते हैं कि अगर गुरु आपसे दूर चला जाए तो आपके ज़िंदगी में अकाल ही आएगा ना, यही बात समझ में, ऐसे ही होता है। तो अर्थ इज एट पेरिहेलियन वंस, धरती भी सूरज से दूर जाता है साल में एक बार, लेकिन जुपिटर 12 साल जाएगा और 12 साल के बाद रिटर्न आएगा, ओके। जैसे अभी ये डायग्राम में दिखाया गया, जुपिटर बहुत दूर चला गया है, ओके, सूरज से, ये वो जो पोजीशन है उसको पेरिहेलियन बोलते हैं। और अगर मान लीजिए जुपिटर वहां चला गया, ओके, सूरज के पास में, तो एफिलियन बोलते हैं उसको, तो पास में या दूर ऐसे जब जाता है तो फर्क पड़ता है, नज़दीक रहना चाहिए जरूर गुरु तो बारिश होता है, दूर रहेगा तो अकाल पड़ता है। तो अभी हम लोग ये बारिश के बाद आएंगे ग्राउंड वाटर की तरफ, रेन वाटर पानी ज़मीन में चला जाता है, तो नीचे जहाँ जाता है उसको एक्वीफर्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफर्स। अच्छा, जो वो एक्वीफर्स है उसके बीच में से एक्वीफर एक छोटा तालाब जैसा होता है अंदर ज़मीन के नीचे, बट देन वहाँ से पानी मूवमेंट होता है, जैसे अपने बदन में है ना खून
हार्ट में ज्यादा रहता है लेकिन बाद में नसों में सब जगह फैलता है ना, तो उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं या आर्टरीज बोलते हैं। तो वैसे वाटर वेन करके होते हैं, जलनाड़ी करके बोलते हैं, तो उसमें भी मूवमेंट होता है। जैसे देखिए जलनाड़ी कैसे, यहाँ पर ऊपर सब प्लांट्स है, हरियाली है ना, बरसात का पानी गिरता है, लेकिन जहाँ पर डेज लिखा है देखिए कुछ दिनों तक ही पानी वहाँ पर रहता है, और जहाँ पर ईयर्स लिखा है वहाँ पर कुछ सालों तक ही वहाँ पर पानी रहेगा, और जहाँ पर सेंचुरीज लिखा है जहाँ मिलेनियर रहता है वो देखिए, सेंचुरीज मतलब 100 ईयर्स तक वहाँ पर पानी रहता है, और मिलेनियर मतलब 1000 ईयर्स तक वहाँ पर पानी रहता है। लेकिन अभी कहाँ से खोद के उस मिलेनिया तक जा करके पानी निकालना है आपको, ये आइडिया आपको कौन दे सकता है? आप बोलोगे सर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हम खोद के नहीं, कितना खोदोगे, कितना वो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करोगे, खोदा पार निकला चूहा बोलते हैं ना वैसे हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक सिंपल टेक्निक्स होनी चाहिए इस पानी को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए। ई ए वी प्रसाद तिरुपति यूनिवर्सिटी के बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद एक जियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया पानी को खोज निकालने के लिए, बट देन उन्होंने बाद में स्टॉप कर दिया। उन्होंने जब बृहद संहिता पढ़ा उसको ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में देखा उन्होंने, तो उसमें वहाँ से उनको नॉलेज मिला, उस नॉलेज को उन्होंने यूज़ किया और जगह जगह पर जहाँ पर भी पानी का प्रॉब्लम है वहाँ पर उन्होंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया। द हाइड्रोलॉजिकल डिटेल्स जैसे अभी उन्होंने खोज के निकाला कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्वीफर्स, एक्वीफर्स अभी समझ में आया आपको, जमीन के नीचे जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसको एक्वीफर्स बोलते हैं। ओके, हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स से हम पता लगाएंगे। तो हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स कौन हो सकते हैं? प्लांट्स होगा, कोई ट्री होगा, या फिर वो टर्माइट माउंड होगा। ओके, सफ़ेद वाळवी, हाँ, तो वाळवीचं जे हे असतं बनलेलं ते आपण नॉर्मली पिक्चरमध्ये दाखवतो की साप बाहेर येतो त्याच्यातनं। ओके, हां, पण तसं ती दॅट डायरेक्शन, ओके, वो डायरेक्शन जो होता है, डिस्टन्स जो होता है वो मेजरमेंट लेते हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर इन द एक्वीफर्स, एक्वीफर्स में पानी कहाँ कहाँ घूम रहा है वो, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द एक्वीफर्स वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जियोलॉजिकल लॉग्स, जियोलॉजिकल लॉग्स मतलब, जियोलॉजी मतलब अर्थ का सरफेस का स्टडी, अर्थ का सरफेस पे मिट्टी कैसा है, पत्थर कैसा है, उसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। स्टाइगोफाउना, कुछ प्राणी होते हैं जमीन के नीचे, ओके, वो एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन मतलब क्या, जब ड्राई सीजन रहता है ना तभी अंदर वो आराम करते रहते हैं जमीन के नीचे, तो उनको खोज के निकालने उनसे भी पता लग सकता है आपको पानी कहाँ पर है। ये डाकर अर्गलम आपके विषय का है संस्कृत में, इसमें एक्चुअली मुझे मृणाल मैडम ने बताया था कि उदक अर्गलम करके है, उदक मतलब पानी, अर्गलम मतलब कड़ी होता है ना, मतलब क्या है कि पानी को लॉक कर दिया गया है, नेचर ने पानी को जमीन के नीचे लॉक कर दिया, अभी उस पानी को आपको निकालना है बाहर आपके यूज़ के लिए, बट कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर इतना पानी होगा वहाँ पर उतना पानी होगा? ये देखिए हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर, जैसे वो पेड़ है वहाँ पर एक पेड़ है, वो वाळवी है ना, ये डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना, ये डायरेक्शंस, और उसे वो हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर से डायरेक्शंस और डेप्थ, उतने डेप्थ में कोई जानवर मिलना, ये सारे चीज़ आपका इंडिकेशंस है कि वहाँ पर कितना पानी रहेगा करके। जैसे एंट हिल होता है, ट्रीज होता है, ये आपको बताएंगे कि पानी कहाँ पर होता है। अच्छा, ये हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर कैसे बन जाते हैं, ट्रीज और एंट हिल्स हाइड्रोलॉजिकल इंडिकेटर कैसे बन जाते हैं, क्या कारण होगा? हाँ, क्योंकि हर वनस्पति का पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। ओके, तो इसलिए ऑब्वियसली जो प्लांट एक पर्टिकुलर जगह पर ग्रो हो रहा है मतलब वहां पर जमीन में पानी उसको ज्यादा मिल रहा है इसलिए वहां पर वो ग्रो हो रहा है ना, आई बस समझ में। सोमाया कॉलेज में हम लोग को पढ़ना है क्यों, अच्छा कैंपस, बड़ा कैंपस है, अच्छा लगता है हमको, है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, है ना, तो वैसे ही होता है प्लांट के साथ भी। तो एंट हिल का साथ क्या होता है कि एंट्स ना उनको मॉइस्चर चाहिए जिंदा रहने के लिए,
अगर सूखे हुए एरिया में नहीं रह सकते, जैसे जो हवा में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा ना, उस जगह पर वो लोग एंट हिल बनाते हैं, जैसे भी ये एंट हिल है, ओके। टर्माइट माउंड्स एंड प्लांट्स टुगेदर एक्ट एज बायो इंडिकेटर फॉर ग्राउंड वाटर एंड मेटलिफरस ओवर डिपोजिट्स। कहाँ कहाँ कर कहाँ अपने को खनिज मिलेगा, ये भी अपने को एंट हिल को देखते हुए पता लगा सकते हैं। जैसे एक रिसर्च किया गया था बैरापुर में, कर्नाटक में, क्रोमियम होता है, क्रोमियम मतलब मैं आपको एक केमिकल एलिमेंट होता है, क्रोमियम को लोहे के साथ मिक्स करके स्टील बनता है। अभी मेरे हाथ में कड़ा दिख रहा है, तो स्टील का है, तो स्टील मतलब लोहे को मजबूत करने के लिए क्रोमियम को ऐड करते हैं। अच्छा, वो क्रोमियम कहाँ मिलेगा आपको ज़्यादा क्वांटिटी में, ये आपको केमिकल टेस्टिंग किए बिना पता नहीं चलता आज के लोगों को, बट पुराने लोगों को कैसे पता चलता था? उन्होंने क्या किया, वही एंट हिल जो है उसको देखते पता लगा कि यहाँ पर क्रोमियम ज़्यादा, तो वहाँ पर खोदने के बाद ज़्यादा क्रोमियम मिला उनको। आपको मालूम है स्टील का इन्वेंशन भी इंडिया ने किया है। जब अलेक्जेंडर आया इंडिया में और जब वो रिटर्न जा रहा था, तभी उसको पुरु राजा ने गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया होगा? 18 किलो का स्टील दिया, सोना चांदी नहीं, डायमंड नहीं, 18 किलो का स्टील दिया, बिकॉज दुनिया में किसी को भी स्टील बनाना नहीं आता था, इट वॉज ओनली इंडिया। लो बोलो, फिर इतना हमारे पास ज्ञान होते हैं, फिर भी हम अनपढ़, फिर भी हम अनकल्चर्ड है ना। ये हमें हमारे इन्वेडर्स जो आए ना, मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने हमें यही बताया कि तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, और ये हम मान के चल रहे थे इतने सालों तक। ऐसा नहीं है, जितना ज्ञान दुनिया में है ना, वो सारा ज्ञान इंडिया में है, ये बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, ओके। ये संस्कृत में पढ़ लेना, आपको आता है ना, मुझे नहीं आता। क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ ए ग्रुप ऑफ फाइव टर्माइट ट्रीज आर फाउंड इन अ प्लेस, मतलब पांच मोंड अगर मिलते हैं डेजर्ट रीजन में, एंड द मिडिल वन अमंग देम इज फाउंड वाइट, अगर बीच वाला पांच है, पांच में से बीच वाला अगर सफेद निकला, वो मोंड, ओके, टर्माइट जो एंट हिल है, अगर वो सफेद वाला निकला, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड इन इट एट अ डेप्थ ऑफ 55 नरास। नर मतलब एक मनुष्य, एक व्यक्ति, ऐसे 55 लोग, 55 नरों को एक दूसरे के ऊपर खड़े करो, जैसे गोविंदा पतक होता है ना गोकुलाष्टमी, गोपाल कला के टाइम में है ना, दहीहंडी के टाइम में, हाँ वैसे 55, तो 55 उतना नीचे जमीन के नीचे पानी मिलेगा, ओके। The unit of depth used by the ancient Hindus is nara, which is explained in one verse by Saraswat as comprising 120 angulas digits. Okay, Bhattopala उन्होंने भी उसको amplify किया और बाद में उन्होंने workout किया, तो 7.5 into 55, that is 400 foot के नीचे, जमीन के नीचे पानी मिलने का संभावना है। Okay, अच्छा, पुरुष मतलब क्या है? One पुरुष is 5 हस्तास, that is 5 cubits, or 228.5 centimeter, or 120 digits. Okay? Hasta or cubit matlab kya? So, hasta. So, one hasta is 18 inches. 18 inch hai. Bada? 18 inch hai. और एक फुट बनने के लिए 12 इंच चाहिए, बराबर। तो आप लोग जब अगर गजरा खरीदने के लिए जाओगे ना मार्केट में, वो औरत बैठी रहती है ऐसा करके एक फुट बताती है, वो एक फुट नहीं है, 18 इंच है, आपको बेवकूफ बना रही है। समझ में आया? हाँ, पुरुष जो उसमें बताया गया ना, दैट इज अगर मैं ऐसे दोनों हाथ ऊपर करूं, तो ये जो टिप है यहां से मेरे पैरों तक, ओ फ्रियटोफाइट्स बोलते हैं, मतलब वेल प्लांट्स, ठीक है।
वराहमिहिर ने 100 से भी ज्यादा प्लांट्स को ऐसे कॉम्बिनेशन में उन्होंने ढूंढ के निकाला, यही बात यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट्स को। अभी चलो एक एक देखते हैं। जैसे अभी देखिए ट्री है, ट्री का हाइट, वहाँ से एक डिस्टेंस और वहाँ से एक नीचे डिस्टेंस। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस वराहमिहिर ने कैसे ढूंढ के निकाला? ट्रिग्नोमेट्री, जिसको गणित आता है उसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा, वहां से ढूंढ के निकाल। रोहतांग ट्री, ये जनरली आपने देखा होगा, अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो ये ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है। ओके, रोहतांग ट्री जहां पर भी रहेगा, वो नारियल के पेड़ जैसे दिखता है, उसके फल देखिए कितने ऐसे छोटे ये होता है। डेप्थ ऑफ वाटर इज 7.5 क्यूबिट। अभी मुझे पूछना मत क्यूबिट मतलब क्या, ठीक है? हाँ लिखे लिखा ना। हाँ, सो डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, उस ट्री से वेस्ट की तरफ जाने का, वो ट्री जहां पर भी रहे, वेस्ट तो फिक्स है ना, वेस्ट की तरफ जाने का कितना जाने का? 3 हाथ, यहां से यहां तक 3 हाथ। ओके, और वहां पर अगर आपको वहां खोदने के बाद अगर 2.5 क्यूबिट पे अगर पेल कलर का कोई फ्रॉग मिला आपको जमीन में, ओके, और प्लस पेडोलॉजिकल इंडिकेटर, पेडोलॉजी मतलब पत्थर, ओके, अगर वहां पर आपको येलो क्ले या हार्ड स्टोन दिखाई है और अगर 2.5 क्यूबिट आपने खोदा और आपको पेल कलर का फ्रॉग मिला, तो समझने का पानी है वहां पर। जैसे जामुन ट्री, उसका भी वैसे ही है, 5 क्यूबिट्स, 3 हैंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन, फ्रॉग मिला, व्हाइट क्ले और वो मिट्टी का स्मेल, देखो मिट्टी का स्मेल, हाँ वो भी इंडिकेशन है, मिट्टी का स्मेल ही, अगर वो लोहे का स्मेल जैसा आता है तो वहाँ पर खोदो और पानी निकाल लो। हम लोग इंडिया को जम्बू द्वीप बोलते हैं, बराबर? क्यों? क्योंकि अपने देश इंडिया डजन्ट मीन आज जो मैप में दिखता है वो इंडिया नहीं है, इट इज ज्योग्राफिकली इंडिया विच इंक्लूड्स सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान, ईरान, अप टू बर्मा, श्रीलंका ऑल्सो, वो सब इंक्लूड करने के बाद जो इंडिया बनता है वो ज्योग्राफिकल इंडिया होता है। तो इट वॉज नोन एज जम्बू द्वीप बिकॉज जामुन के पेड़ बहुत थे। अच्छा, जामुन के पेड़ बहुत इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर पानी मिलने का सोर्सेस ज्यादा था अपने देश में, इसलिए जामुन के ट्री मिलते, इसलिए नाम वो जम्बू द्वीप करके पड़ा उसको। ये अंजीर मालूम है सबको? हाँ, तो 2.5 क्यूबिट, 3 हैंड्स, वेस्ट और 2.5 क्यूबिट पे अगर सफेद सांप मिला तो डरना नहीं, खोदने का और तो आपको पानी मिलेगा, ठीक है? अर्जुना, ये अपने महाभारत में एक एपिसोड देखा होगा ना, जहां पर भीष्म बाण के शैया पे लेटे हुए हैं, उनको पानी चाहिए था, तो अर्जुना ने कहीं तो तीर मारा। ओके, बीआर चोपड़ा को ये मालूम नहीं था ना, इसलिए उसने कहीं पर भी तीर मार दिया, लेकिन तो पानी आया। लेकिन देर इज अ लॉजिक फॉर दैट। आज भी साइंटिस्ट लोग वो जो अर्जुन का जो पेड़ होता है उसको साइंटिफिक नेम टर्मिनालिया अर्जुना है। ओके, वो पेड़ जहां पर भी रहेगा, ओके, उसका वेस्ट डायरेक्शन में 3 हाथ, ओके, और 3.5 क्यूबिट अगर आप खोदोगे, और वहाँ अगर आपको वाइट एलिगेटर मिलता है, सफ़ेद एलिगेटर और क्रोकोडाइल में थोड़ा डिफरेंस होता है, अ सॉर्ट ऑफ लिजर्ड है ना, वो मिलता है, और अगर ब्लैक या वाइट या येलो कलर का क्ले रहेगा वहाँ पर आपको पानी मिलने का चांसेस रहता है। ये मालूम है आपको कवट है ना, थोड़ा मीठा भी लगता है थोड़ा खट्टा भी रहता है ना, उसको वुड एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, ये भी इसका भी ऐसे ही है, अगर आप खोदोगे और अगर आप स्नेक होल रहेगा उसके पास में और वहां पर आप खोदोगे तो भी पानी मिलेगा। गजाननम भूत गणादि सेवितम, इसका मतलब आप ही मुझे समझाओ, बड़े ज्ञानी लोग हैं भाई, हमको कहाँ आता है संस्कृत। हमको लगता है कि गणेश जी को जो प्रिय है वो मोदक है, इट्स नॉट मोदक, इट्स एक्चुअली दिस वुड एप्पल एंड द जामुन। और ये जहां पर भी ये पाया जाता है ये प्लांट्स, वहां पर पानी का स्रोत मिलता है।
मेरे गांव में, जहां पर जिस गांव में मैं पैदा हुआ, तो मेरे मामा के घर में जैसे आप एंट्री करोगे वहां पर एक गणेश जी का स्टैचू रखा हुआ है। तो मैं पूजा करता था और बाद में पूछता था घर वालों की, मूर्ति कहाँ से लाए आप? बोला नहीं, हमने कहीं लाया नहीं, ये बाजू में तुम देखते हो कुआं है ना, इस कुएं को खोते खोते नीचे से ये गणेश जी मिले करके। बोला ठीक है, आई वॉज जस्ट बिलीविंग। लेकिन मजे की बात यह है कि आफ्टर 40 ईयर्स आज मेरे को ये सब रेफरेंसिंग करते समय, पढ़ते समय सर मुझे अभी एक ज्ञान हुआ सर कि इट वॉज अ रिवर्स वे। जहां पर पानी का स्रोत रहता है वहां पर गणेश जी का स्टैचू रखा रहता है, ताकि ये समझाने के लिए कि उसके नीचे पानी है। तो उस गांव में जो भी ज्ञानी रहा होगा 100-150 साल पहले, उसने खोज के निकाला कि भाई यहाँ पानी है, इसलिए गणेश जी का मूर्ति बना के रख दिया ताकि लोगों को बता चले यहाँ पर पानी रहेगा करके। मैंने ये भी देखा है अपने पूरे लाइफ में, उस गांव में, उस मेरा मतलब मेरे मामा का जो घर है उसके बाजू में जो कुआं है वो कभी नहीं सूखता। आज वो बड़ा शहर बन गया, वो गांव था वो अभी बड़ा शहर है, लेकिन जब वो गांव था ना, सारे गांव के लोग वहां पर आके पानी लेकर चले जाते थे, फिर भी खत्म नहीं होता था पानी। इतना बड़ा ज्ञान लोगों के पास उस समय था। आज हम लोग साइंस साइंस ऐसे बोलते हैं, उनके पास भी साइंस था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अरे वो कौरव जो क्या बोलते हैं क्लोनिंग, आज की तारीख में जो क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग के मेथड से पैदा हुए थे करके आप बताते हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो झूठ है। बोला सवाल वो नहीं है कि उनको साइंस मालूम था या नहीं था, सवाल ये नहीं है कि तुम लोगों को साइंस मालूम है या नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों का प्रॉब्लम सेम है। उस जमाने के लोगों का और आज के लोगों का प्रॉब्लम सेम है, सोल्यूशन अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम तो सेम था ना। ओके, ऐसे अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके कौन से डेप्थ पे आपको पानी मिलेगा, इसका भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। और जो गणेश जी का मैं बता रहा था ना, तो उसके बारे में मैंने ये सोच देखा, अष्टविनायक है महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में गणपति को ज़्यादा फेमस है बाकी देवताओं से। उसका भी रीज़न यही है क्योंकि यहाँ जो ज्ञानी लोग उस समय रहते थे, महाराष्ट्र इज अ ड्राई स्टेट ना, ड्राई इन द सेंस व्हाट, पानी कम मिलता है, इसलिए नहीं तो कुछ और समझोगे। तो जो स्टेट में पानी कम होने के कारण, तो ज़मीन में कहाँ पर पानी है, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए तो कहाँ पर पानी है, उसको खोज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे जगह जगह पर गणपति जी का स्टैचू रखा गया ताकि बताने के लिए कि उसके नीचे पानी है, इसलिए महाराष्ट्र में गणपति ज़्यादा फेमस हो गए। और मैंने देखा, अभी आप टिटवाला जाइए, टिटवाला के बाजू में ये है कि नहीं, तालाब है कि नहीं मंदिर के बाजू में, है। अच्छा, आप सिद्धि विनायक जाइए दादर में, आप बोले सर वहाँ तो तालाब है ही नहीं, है मतलब क्या था, अभी वहाँ पर प्लेग्राउंड बना दिया गया है। देखो ज्ञान को हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्यों हम अंग्रेजों को दोष दें, है ना। हाँ, अभी जो मैं आपको प्रसाद, ये भी प्रसाद जी के बारे में बता रहा था, उन्होंने कितना बड़ा बढ़िया काम किया। देखिए जामनगर में 1980 में उन्होंने उनके पास वो गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ऑफिसर आए, बोले कि आप बड़े जियो साइंटिस्ट बने फिरते हो, हमको बताइए पानी कहाँ मिलेगा। बोले ठीक है मैं आता हूँ। कहाँ आना है? बोले जामनगर के पास में आना है। ठीक है, आ जाएंगे। अच्छा, उनको क्या लगा, जो गुजरात के ऑफिसर थे उनको लगा कि बहुत बड़ा मशीन वगैरह कुछ लेकर आएंगे, ट्रक वगैरह, कुछ नहीं, खाली हाथ आए वो प्रसाद, वो जो प्रोफेसर प्रसाद है वो आए, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई यंत्रणा नहीं है, चलो मैं देखते हैं। उनके साथ चलते 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 गए, वहाँ पर उनको खजूर का एक पेड़ मिला और बैनियन ट्री वर्ड, हाँ, वो मिलने के बाद उन्होंने बोला यहाँ पर, उन्होंने अंदाज़ा लगाया और बाद में बोला यहाँ खोदो। वहाँ खोदने के बाद 7,500 लीटर प्रति घंटा उतना पानी मिलना चालू हो गया। उन्होंने बोला उस पेड़ से 15 फुट नॉर्थ की तरफ खोदो, आपको पानी मिलेगा। क्यों? ये हाउ ही कुड प्रेडिक्ट, बृहद संहिता उन्होंने पढ़ा है। वैसे ही उन्होंने क्या किया, हरिपुर नाम का एक प्लेस, वो भी उधर ही जामनगर के पास में, वहां पर देखिए 11,000 लीटर प्रति घंटा पानी मिलना चालू हो गया था। ओके, सेम बाकी के अब देखिए रायलसीमा, कोयम्बतूर, यहाँ पर सब जगह पर उन्होंने काम किया,
मरते दम तक काम किया उन्होंने. आई रियली सल्यूट दैट पर्सन कि उन्होंने इतनी बड़ी ज्ञान को जो लुप्त हो गई थी उसको वापस लाया, उस पर रिसर्च किया और लोगों तक पहुंचा और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया. सिर्फ ज्ञान दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं, लोगों का रोज का जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने सॉल्व किया. तो ज्ञान का यूज ऐसे किया उन्होंने, तो हमें भी वही करना है. कुछ चीज़ें डिस्कस करने की बात है कि अभी बद्री नारायण जो है या जगदीश्वर राव है या प्रसाद, ये सब जियोलॉजिस्ट है, जियो साइंटिस्ट है, बट फिर भी उन्होंने बृहद संहिता पढ़ के लोगों का उन्होंने हेल्प किया है. टिल द डेथ वन मैन मिशन टू पुट एंशंट टेक्नोलॉजी ऑन ए साइंटिफिक फुटिंग, दैट वॉज प्रसाद. ओके, एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग कंक्लूजन, आप क्या निकाल सकते हो, ये आपका प्रॉब्लम है, आप भी निकाल सकते हो कंक्लूजन, बट मेरा ये कंक्लूजन है कि इस विषय पर सरकार और बाकी साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स बच्चों को है ना रिसर्च करने के लिए, टीचर्स या जो रिसर्चर है उनको हेल्प करनी चाहिए. एंशंट विजडम और ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहिए. ओके, सिंपल मेथड है, इतना सिंपल मेथड है कि आप देखो बच्चों को ये पढ़ाओ, बच्चों को ये चीज़ समझाओ, बच्चे कितने बड़े खुश हो जाएंगे कि उनको भी है ना नेचर के साथ रूबरू होने का उनको मौका मिलेगा. आप अलग से EVS पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उनको उसी EVS में आप उनको कैसे ज़िंदा रहे, कैसे हमें धरती को हरा भरा रखना, धरती को यू नो रिसोर्सेस को बचाए रखना है, ये वो अपने आप सीख जाएंगे. तो पॉपुलराइज द साइंस बाय दिस, नॉट नेसेसरली बच्चों को लेबोरेटरी लेकर ही ले जाके दिखाओ. मैं खुद तरसता था कि NMR नाम का एक मशीन होता है केमिस्ट्री वाले यूज़ करते, उसको मुझे देखना है करके, कोई नहीं दिखाया. नहीं नहीं देखने का नहीं, तो क्या साइंटिस्ट है क्या? नहीं, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते थे. जाने तो अभी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना अगर ऐसा ज्ञान मिल रहा है तो जाओ बैठो वहाँ पर पलती मार के. ओके, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट कर सकते हैं हम लोग. वाटर इज़ अ प्रेशियस, उसको हम बचा सकते हैं, है ना. और ये मेथड इको फ्रेंडली है. आपको एक बार पता चला ये प्लांट इधर है, इतना डिस्टेंस पे आपको खोदना है, जाओ उतना खोद, उतना ही खोदो ना, बाकी दुनिया को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है. उतना ही जगह पर आप पानी निकालो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दुनिया है वैसा का वैसा रह जाएगा. कितनी अच्छी बात है ना. ये इसी के साथ ये मेरे पूरे रेफरेंसेस है, ये सब जगह पर मैं देख के दंग रह गया, इतना ज्ञान अवेलेबल है नेट में और उससे ये सब ढूंढ के निकाला मैंने. ओके, आई डेडिकेट दिस लेक्चर टू द वॉटर इट्सेल्फ, ओके, विच इज प्रेशियस. धन्यवाद. वस्तुतः व्याख्यानमिदं अत्यन्तं गभीरं ज्ञानभरितं अपि च मार्गदर्शनपूर्णम् आसीत्. आधुनिकविषयविशेषज्ञः सन् अपि सन्दीपकुलकर्णीमहोदय यथा दीपः सर्ववेश्मः अभिज्वालयति प्रकाशयति, तद्वत् प्राचीनवाङ्मये विद्यमानं यद् ज्ञानमस्ति विशिष्य मानवजीवननिगडितम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं यत् जलमस्ति, जलं कथम् अन्वेषणीयं, तदर्थं ये उपायाः सन्ति शास्त्रेषु, तद्विषये प्राचीनम् आधुनिकम् उभयविधं समन्वितं यत् ज्ञानम् अत्र प्रास्तौ कुलकर्णीमहोदय. एतदर्थं विद्यापीठपक्षतः आयोजनपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् अहं प्रकटीकरोमि. वस्तुतः मैं सोचा नहीं था कि इतने आयामों में ये अपने विचार व्यक्त करेंगे, और जब उनका व्याख्यान शुरू हुआ तब तो मैंने सोचा कि भाई हमारे और लोग भी रहते तो बहुत लाभान्वित होते, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही परिवार में ये हैं. और ये तो वेल बिगिन है, हैव डन, अभी शुरुआत समझे कहीं से भी हम शुरू करें. और हमारी जो पीढ़ी अभी जो अलग दिग्दिगंतराल से यहाँ पर आई है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, और ये जस्ट एक एक स्टार्ट हो सकता है. और इनमें से पता नहीं कोई हंस बनेगा तो जरूर इस मोती को चुनेगा या चुगेगा. और ये जो ज्ञान राशि हमारे ग्रंथों में छिपी हुई है
उसको प्रकट करने का और उसको आगे ले जाने का और उसको मानवता के लिए या मानव कल्याण के लिए कैसे उपयोग करना है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के कारण हो सकता है और वह एक प्रकार से टाइम बॉम्ब है और उसका जो टाइमर वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही वो समय पूरा हो जाएगा तो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये अच्छा है कि समय रहते इस भांति उपायों का हम अन्वेषण करें और विश्व मानव की एक बहुत बड़ी त्रासदी एक शोकांतिका है उससे अगर बचाने का काम अगर भारत करता है तो भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु का जो गौरव स्थान है वो प्राप्त होगा। इस दिशा में जो संदीप कुलकर्णी जी ने जो काम किया है भले ही वो छोटा है परंतु मूल्यवान है और मैं चाहता हूँ कि उनका यह अनुसंधान, इस प्रकार का जो गवेषणा, इस प्रकार का प्रेरणादायक व्याख्यान वो करते रहें, हमें उत्साहित करते रहें। और ये सत्य है कि हम अपने खजाने को, अपने रत्नों को, ज्ञान तो है और ज्ञान को प्रकट करने वाले रत्न भी हमारे आजू बाजू हैं, हम उनको जानते नहीं और अपने में ही बेगाने बने हैं। तो अच्छा है हम थोड़ा मतलब संवाद रखें, परस्पर मेल मिलाप रखें कि भाई आप क्या जानते हैं वो हमें बताएं, हम क्या जानते हैं आपको बताएंगे। इस प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान होगा तो भारत का निश्चय ही उत्कर्ष होगा और हम पूरी दुनिया को एक दिशा और दशा दिखा सकते हैं और पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय भी कर सकते हैं। तो पुनः एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और इसी कार्यक्रम में जो सीए हैं, आपका शुभ नाम है बोलिए, अमोल, जिनका कोई मोल नहीं है, ऐसे अमोल भी अपना समय देकर यहाँ पधारे और जो प्राध्यापक भेड़े सर हैं अपने, ये बहुत ही उत्तम कोटि के नाटक के दिग्दर्शक हैं और स्वयं बहुत सारे नाटकों का दिग्दर्शन किया, मंचन किया, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बहुत सारे पुरस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे सेमिनारों में वो जा चुके हैं, श्रीलंका, कनाडा वगैरह। ऐसे भी हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, उनको कोई तिथि पता नहीं थी कि वे कब प्रकट होंगे। उसके अतिरिक्त जो मैडम है, इस वसुधा कार्यक्रम मैडम ने आयोजन किया है, जो मृणाल है, मृणाल किससे कहते हैं, कमल नाल को कहते हैं, तो कमल नाल कोमल होता है परंतु बहुत बड़ा काम कर दिया आज। तो मैं तो निमित्त मात्र मतलब मामूली के भी यहाँ कर लो इतना कह दिया। तो जो भी यहाँ छात्र उपस्थित हैं कि हम अपने जो ग्रंथ हैं, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें विज्ञान सम्मत जो विचार रखे गए हैं, एक ही बृहद संहिता में नाना विषयों को रखा गया, एक ही वैशेषिक दर्शन में बहुत सारे विषय रखा गया, पाणिनि व्याकरण में जियोग्राफी है, सामाजिक अध्ययन है, भाषा विषय है, लोक व्यवहार है, अपने जो गोत्र हैं गोत्रों के विषय में वर्णन दिया है और क्या क्या व्यवहार होता है, खेती कैसे होती थी, हर चीज़ का वर्णन है। हम उसको केवल व्याकरण मतलब शुद्धोपास से ये नहीं पढ़ना है, अभी तो बहुशास्त्रीय अभिगम मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपना होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो मैं सभी को पुनः एक बार मतलब जो भी आए हैं अतिथि, विशेष करके कुलकर्णी जी, उनका एक बहुत सराहनीय प्रयास है, उनका फिर से एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जो यहाँ पर जो शूटिंग कर रहे थे और जो सोमैया कॉलेज से जो छात्र वगैरह आए हैं, शुभ नाम योगेश, बहुत सुंदर नाम है, योग का जो ईश है, स्वामी है, तो इतनी तन्मयता से, इतने सलीके से वो शूटिंग कर रहे थे हर एंगल से, तो उनका वो जो बैलेंस जो क्लिक जो है वो लेना, जो स्नैप, उसी से दर्शाता है कि शरीर कितना संतुलित है, कितना योग युक्त है। तो योगेश को भी पुनः एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ और उसके साथ जो बहन है मैं प्रिया, तो प्रिया ही है, दर्शनीया है, तो प्रिया ने भी बहुत सुंदर मतलब ये किया है। और जो छात्र छात्राएं आए हैं उनका भी मैं इस आयोजन की ओर से मतलब धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे जो
बीएड के जो छात्र हैं, मैंने बताया कि अभी परीक्षा आसन्न है, निकट है, बच्चे सामने वो नोट्स रख के बैठे हैं कि भाई कितना पढ़ेंगे वो तो भगवान जाने परंतु भाई कुछ जाएगा। अब उनको ये लगता है विषय जब लगा कि भाई चलो ये भी सुनना है, तो इस प्रसंग में कान में कुछ शब्द जरूर जाएंगे, कुछ संस्कार जरूर जाएगा, भाई ये वराहमिहिर हमने कुछ सुना था, तो ये एक संस्कार भी उनको जगा सकता है कि भाई हाँ ये कुछ है। बीएड में स्टैटिस्टिक्स क्या काम आएगा वो अलग बात है, किंतु मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ वराहमिहिर जरूर काम में आएगा, क्योंकि उसमें पानी के बारे में कुछ बताया। तो हमारे जो बच्चे इस परिस्थिति में भी मतलब एक द्वैधी भाव मतलब द्वंद्व में है कि भाई परीक्षा की तैयारी करें या लेक्चर सुने, उसमें भी मतलब बड़ी तन्मयता से अपने अनुभव किया होगा कि इतने शांत और एकदम डिसिप्लिन में बैठे थे, और मन कितना लगा है वो तो भगवान प्रमाण है, क्योंकि मन को तो मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, किंतु मैं फिजिकल जो भौतिक जो उनका ये था संस्थान वो स्थिर था इतना मैं कह सकता हूँ। तो ऐसे इन छात्रों को भी आयोजन पक्ष की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। हमारे जो परिसर के जो भी अध्यापक हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया, कुछ अन्य अन्य कार्य में व्यस्त हैं, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और न केवल ये आभार के साथ एक मांग भी अपनी रहेगी कि भाई ये जो ज्ञान सत्र है, प्राचीन काल में मैं व्याकरण पढ़ता हूँ तो उसमें ऐसा एक प्रसंग आता है कि पूरा ऋषय आचार्य वर्षशतम समसरशतम सत्राणि अनुशीलन्ते स्म या अनुष्ठीयन्ते स्म। तो सत्र का तात्पर्य होता है कि ज्ञान यज्ञ, जो सत्र का तात्पर्य होता है जैसे मख है, यज्ञ है, याग है, उसमें सत्र का अर्थ होता है कि ज्ञान यज्ञ, यज्ञ जो भी। तो ये जो ज्ञान यज्ञ भारत की परंपरा रही है, वेद मतलब ज्ञान, वो अनंत मतलब अविरल अखंड वो चलता रहे, तो ये थोड़ी सी मतलब जो छोटी सी मतलब एक चिंगारी या एक थोड़ा सा मतलब दिया आज जला है, ये आगे ऐसे ही अनवरत चलता रहे, ऐसे हमारी कामना रहे, हमारे ओर से कुछ, आपके ओर से कुछ और बच्चों की ओर से कुछ, तो इस ज्ञान ज्योति को हम हमेशा प्रज्वलित रखेंगे। और मैडम आपको कुछ कहना समाप्त? हाँ 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 जरूर। तो मैं प्रसाद जी को निवेदन करता हूँ कि वो अपने कुछ एक दो मिनट में अपना अभिप्राय व्यक्त करेंगे। डरिए मत, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज आप सारे जैसे बीएड के छात्र हैं संस्कृत विषय के, या हमारे भी कुछ एफवाई एसवाई डीवाई के छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, वैसे मैं भी कभी संस्कृत का छात्र था और आज भी प्राध्यापक होने के बावजूद आज भी मैं संस्कृत का छात्र ही हूँ। तो ये संदीप कुलकर्णी सर का व्याख्यान आज सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ईवीएस के प्राध्यापक ये चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में वस्तुतः संस्कृत के छात्रों ने पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, तो हम किसी दूसरी चीज़ में जुटे हुए रहते हैं, वो उसमें कोई पर्याय नहीं है दूसरा, क्योंकि वो परीक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसके लिए ये करना पड़ता है, तो ये तो हमें करना ही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके साथ संस्कृत के छात्र होने के कारण हमें और ज़्यादा ऐसा कुछ करना है जो मराठी में बीएड करने वाले या विज्ञान में बीएड करने वाले या और किसी भी विषय में बीएड करने वाले छात्र शायद ना करते हो। आज संस्कृत के छात्र होने के कारण यह हमारा कर्तव्य बनता है कि भारतीय विद्याओं का ज्यादा अनुशीलन, अधिक अनुशीलन हमने करना चाहिए। कल आप सारे मेरी तरह किसी ना किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षक बन के जाओगे, लेकिन शिक्षक का कर्तव्य क्या सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में दिया है उतना विषय पढ़ाना, इतना ही सीमित है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, संस्कृत भाषा सिखाने वाले शिक्षक का कर्तव्य ये भी है कि उस पाठ्य के परे होकर ये जो सारी चीजें हैं उनके बारे में अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको जागरूक करना, ये भी अपना कर्तव्य है। तो मैं आप सभी से ऐसी विनती करता हूँ कि कल के समय में हम सारे लोग शिक्षक होने वाले हैं और संस्कृत विषय से संबंधित है,
तो ऐसे मानेंगे कि अगली पीढ़ी की धुरा हमारे खंदे पर हमें लेनी है। तो संदीप कुलकर्णी जो संस्कृत के ना तो छात्र है ना तो प्राध्यापक है, इन्होंने ये विषय हमारे सामने लाया है, यह विषय हमें आगे ले जाना है, इतना सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। धन्यवाद।